गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हैं, मुझे लगा था कि शायद आज मौसम जो है ख़राब होगा, क्योंकि बार बार उसमें नोटिफिकेशन आ रही थी कि बारिश आने वाली है दिल्ली में, बट ऐसा नहीं हुआ, बारिश तो नहीं आ रही है। और मैंने इसी वजह से रात को कपड़े भी धोने के लिए नहीं डाले, अदरवाइज़ बहुत सारे कपड़े भी हो रहे थे जो कि मुझे वॉशिंग मशीन लगानी थी, बट शायद मैं अभी लगाऊंगी। ये खेल रहे हैं, और सुबह का रूटीन ऐसा है कि मॉर्निंग में सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, किचन वगैरह की क्लीनिंग हम लोगों ने कर ली, और घर की सफाई जो है वो हो चुकी है। और अभी मैं बनाने के लिए जा रही हूँ किचन में खाना, तो ऑलमोस्ट 12 बजने आ रहे हैं। तो आज खाने में बना रही हूँ आलू घिया की सब्जी। बहुत सारे लोगों को होता है घिया देखते, मतलब पहले मैं भी नहीं खाती थी, बट अब जब खुद से बनाना सीखा है तब से ये सब्ज़ी जो है मुझे अच्छी लगने लगी है। तो आप भी इसको अगर थोड़ा सा आलू वालू डाल करके, चने की दाल वाली होती है वो भी बहुत यम्मी लगती है। बाहर से ना बहुत शोर आ रहा है, ये वाला गेट अगर खुला हुआ होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा शोर आता है। लकी क्या कर रहे हो, डुगू क्या कर रहे हो, आप कॉफ़ी खेल रहे हो? तो ये किस किस के घर में है, किस किस के बच्चे खेलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। इनका ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मैंने एक और मंगवाया हुआ था, ये अमेज़ोन से मंगाया था, तो ये अच्छी क्वालिटी का आया था, बट गाइज फिर एक नॉर्मल मैं यहीं से एक दुकान से ले आई थी, कितनी जल्दी छीना है इसने मुझसे। तो एक मैं नॉर्मल दुकान से ले आई थी, वो उसके सारे पॉपी ये बीच बीच के निकल गए थे, बट ये वाला अच्छा है। लकी के साथ नहीं खेल रहे हो आप? आप क्यों नहीं खेल रहे हो? आपको नहीं खेलना है? चलो मैं जा रही हूँ अब सब्ज़ी बनाने के लिए। और इसकी मैं सब्ज़ी की बात कर रही थी, तो बहुत सारा पानी वगैरह डाल करके, मतलब बहुत सारा पानी नहीं, टमाटर प्याज बहुत सारे डालेंगे, हल्का सा इसमें पानी डालेंगे, तो थोड़ी सी जो एक बोलते हैं ना रिली मिली सी सब्ज़ी, तो ये उस तरीके की बनती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे ये सब्ज़ी बनाते टाइम। ये देखिए गाइस, खाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी टेम्पटिंग बनी है। तो इसमें ना आज मेरे पास एक पनीर का पैकेट भी पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से मैं आज आपको रेसिपी तो नहीं दिखा पाई, बट डेफिनेटली अगर आपको घिया और आलू की इस तरीके की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं तब आपको रेसिपी दिखाऊंगी। इधर रोटियां भी बन गई हैं, साथ ही बना रही हूँ गाइस मैं थोड़ा सा रायता, जो कि मैं बनाने वाली हूँ खीरा प्याज टमाटर सब डाल के, क्योंकि दही जो है ना वो बहुत थोड़ी सी है। बाकी अभी मैं दही जमाऊँगी बैठ के 2 बजे के बाद में, अभी दूध उबालने के लिए रखा हुआ मैंने। तो इसमें अगर आप इस तरीके से वेजिटेबल्स वगैरह डाल लेते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी थी मैंने 2-3, तो वो काफ़ी प्रॉपर जो है रायता बन जाता है। इस तरीके से चॉप कर लेंगे तो वेजिटेबल्स के जो हैं पीसीज भी वो नहीं आते हैं मुंह में। तो इस तरीके से इसमें हींग जीरे का हम छौंक लगा देंगे। तो आज आप मम्मी की जगह पे व्लॉगिंग कर रहे हो? तो ये मैं अभी कट करके लाई हूँ गाइस केले। तो अगर आपके बच्चे भी फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 बनानास कट किए। बच्चे जो हैं गाइस वो बहुत बार फ्रूट्स नहीं खाना पसंद करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके निकालने होते हैं। जस्ट अगर आप उसको छील करके केले को दे देंगे कि आप खा लो, तो ये नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं फ्रूट्स वगैरह के लिए। तो मैं यही करती हूँ, जैसे केले हुए या एप्पल हुए, आज एप्पल नहीं है, आज केले ही थे घर पर, तो इनको कट किया है और उसके ऊपर से चाट मसाला डाला है, तो इससे जो है बच्चे ईजीली खा लेते हैं। तो धीरे धीरे ही मैं खिलाऊंगी एक एक करके, तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो मसाले से इन सब से ना बना रहता है। इस तरीके से कुछ ना कुछ इनोवेटिव तरीका ढूंढने से बच्चों का भी इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है,
जैसे कि आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, बिल्कुल भी अभी मन नहीं है। अच्छा है, यम्मी है। मम्मी तो वीडियो बना दिया। हाँ, आपको सब पता चल गया है। हमारी बूटा मांग गई है। तो केला अच्छा लगा आपको? जब इसे फिनिश करोगे तब देखूंगी मैं तो कितना अच्छा लगा आपको। अभी बोल रहे हो आप तो वीडियो देख के मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपको मैं खिलाऊंगी फिर। मेरे को खिलाओगे? अब मैं आपको खिलाऊंगी। नहीं, मुझे गाइस मुझे केला बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो मैं जा रही हूँ अभी नीचे, क्योंकि ये हमने घिसाई का काम करवाया है अपने फ्लोर्स में, तो वही सब नीचे का मैं देखने के लिए जा रही हूँ कि कैसा हुआ है। ये अभी स्टेयर्स हैं हमारी। तो ये सारा सामान है जो उन्होंने यहाँ पर रख दिया है। अभी अंधेरा तो हो गया है आई थिंक, बट ये कि रात में ही शाइन जो है ना वो अच्छे से फर्श की दिखाई देती है, तो शाइन तो अच्छी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था शायद पानी है, बट ये सारा ड्राई हुआ हुआ है। घिसाई तो अच्छी हो गई है। तो अभी मैं आ गई हूँ वापस, और कुछ सामान है जो कि मैंने मंगाया था। पहले गेट कर देते हैं बंद। तो ये कुछ गाइस मैंने बिस्किट्स वगैरह मंगाए थे, जो कि जब आए थे तो मैंने इस पॉलिथिन में ही रख दिए थे, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, हाथ लगाते हैं, और मेरी शुरू से ही यह आदत है। अभी जो लोगों ने कोरोना में करना शुरू किया, बट मैं कोरोना से पहले से ही होता था कि जब भी आप ये चीज़ें बच्चों को दें तो एक बार इन्हें क्लीन करके ही दें। तो ये मैंने लिया हुआ है डेटॉल का वाइप, जो वेट वाइप्स होते हैं, तो एक वाइप हम लोग ले लेंगे, और इसके बाद मैं बिस्किट वगैरह निकाल करके इसको अच्छे से इससे क्लीन कर लूँगी। क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि जब इसको ओपन करते हैं, हम करते हैं तो हाथ से इसको खोल देते हैं पैक को, बट अगर आप बच्चों को दे देंगे तो ये डेफिनेटली अपने मुंह से ही इसको खोलते हैं। और मैं जो भी सामान है वो बिग बास्केट वगैरह इन सब ऐप से मंगवाती हूँ, तो ये इकट्ठा इकट्ठा रख करके लाते हैं। इनकी कार्ट वगैरह आप देखिएगा तो वही होता है कि गाइस डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जर्म्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उन्हीं में ये ग्रीन वेजीज भी लाएंगे, फ्रूट्स भी लाएंगे, और ये वाले भी इनके पैक जो सामान होते हैं वो भी इसी में होते हैं। तो ज़रूरी होता है कि एक बार आप अच्छे से क्लीन करें, या शॉप से भी कहीं से भी लीजिए, तो एक हाइजीनिक वे बना रहता है बच्चों के लिए। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं तो डेफिनेटली वो हाथ से खोल लेंगे, बट छोटे बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो मुंह से ही इसको ओपन करते हैं। तो किस किस ने ये बाउंस वाले सनफीस्ट बाउंस बिस्किट्स खाए हैं गाइस? ये बहुत टेस्टी हैं और बहुत सारे फ्लेवर्स में ये मिले हैं। तो मैंने अब की बार सबसे पहले मैंने ये पाइनएप्पल वाला लिया था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टाइम ऑर्डर किया तो उसमें मुझे ये ऑरेंज वाला, और ये एक इलायची फ्लेवर में है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इलायची पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारे ही जस्ट 10-10 रुपीज़ के हैं। जैसे कि बच्चे कई बार, आपको पता है, छोटे बच्चे हैं, इरीटेट हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तब आप उन्हें दे दीजिए तो ठीक रहता है। इसके अलावा बच्चों को दूध वगैरह आप दें उस टाइम पर, 2-2 बिस्किट्स ही आप उन्हें दे दीजिए तो ठीक रहता है। क्योंकि ये वैसे पैक हैं कि ये दोनों ही, इसके अंदर भी जो 2 रोज़ हैं ना, ये दोनों ही रोज़ आपकी इंडिविजुअली अलग से पैक हैं। तो ऐसा भी नहीं होता कि आप एक बार पैकेट खोलेंगे, 2 बिस्किट देंगे और बाकी की बिस्किट सील जाएंगे, तो वो भी नहीं होता है। जस्ट 4 या 6 बिस्किट्स एक साइड से इसके निकलते हैं। ये गाइज मैंने सारे पैकेट्स जो हैं वो क्लीन कर लिए। तो ये छोटे छोटे सारे पैक्स हैं, लाइक जस्ट 5-5 रुपीज़ के। ये ब्रिटानिया ट्रीट का है, ये देखिए, ये 10 रुपीज़ का है। तो 10-10 रुपीज़ के हैं ये। और गाइज मतलब छोटे छोटे पैक्स आपके ठीक रहते हैं, छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो, क्योंकि अगर आप बड़ा खोल देते हैं पैक तो, अभी जैसे कि आप देखेंगे मॉनसून सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिशें आ रही हैं, तो कोई भी चीज़ हो गाइज बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। और ये छोटू सा पार्ले जी गोल्ड मैंने मंगाया है, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये चाय से मैं खाती हूँ। बच्चों को थोड़ा क्रीम वाले बिस्किट्स का रहता है तो बच्चों के लिए क्रीम वाले मंगाती हूँ। एंड ये गाइज मैंने बिग बास्केट से मंगाए थे, तो बिग बास्केट पर जब भी आप सामान ऑर्डर करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ वहाँ से इस तरीके के गिफ्ट्स वगैरह, मतलब फ्री गिफ्ट टाइप में जो है मिल जाते हैं, फ्री प्रोडक्ट्स कुछ। और अभी तक तो मुझे छोटे छोटे ही मिले थे। आई थिंक 1000 का सामान करने से या 500 अबव का करने पर भी कुछ ऐड हो जाता है आपकी कार्ट में।
तो ये 500 अब आपका ही मेरा सामान आया था, थोड़ा से ये बिस्किट्स वगैरह थे, एक दो जो है मैंने सरफ वगैरह के भी पैकेट मंगाए थे। तो गाइज उसके साथ में मुझे ये बिग बास्केट का एमपी शरबती आटा मिला है, छोटू सा पैक है 500 ग्राम्स का, बट इसको एक बार ट्राई करेंगे उसके बाद देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली इसको परचेज़ करेंगे। तो आप लोग अपने घर में कौन सा आटा यूज़ करते हैं रोटी के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइज मेहनत कर रही हूँ थोड़ी सी, नए व्लॉग्स हैं, लोगों को जुड़ने में टाइम लगता है, बट मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ करके जाइए कि मुझे थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिले कि यस आप लोग दिल से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, आपको कुछ भी चीज़ मेरे व्लॉग में अच्छी लगे। मैं कोशिश करती हूँ जो भी थोड़ा बहुत मेरा रूटीन का होता है वो दिखाना, या कोई भी चीज़ मैं परचेज़ कर रही हूँ तो कैसी है वो कैसी नहीं है बिल्कुल जेन्युइन ही मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो एक बनता है एक कमेंट कि आप एक छोटा सा कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ें और मुझे ज़रूर से बताइएगा कौन सा आटा है जो आप डेली रोटियां बनाने के लिए अपने घर में यूज़ करते हैं।